रानू चिड़िया एक बहुत गरीब चिड़िया थी। वह अपने छोटे से बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपकी मदद करूँगा। बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओ तो मेरी मदद कर लेना। नहीं माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और आपके साथ आज से मैं जंगल चलूँगा। दोनों माँ बेटे जंगल में चले जाते हैं। तब कुक्कू चिड़ा कहता है, माँ मैं बहुत थक गया हूँ और मुझसे अब उड़ा नहीं जा रहा है। अब आप जब तक यहाँ बैठो और मैं जंगल से आपके और अपने लिए भोजन लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया आगे चली जाती है और कुक्कू चिड़ा वहीं बैठा हुआ था। तभी उसे एक पौधा मुरझाया सा और सूखा हुआ दिखाई देता है। अब कुक्कू चिड़ा कहता है, लगता है इस पेड़ को बहुत प्यास लगी हुई है। कुक्कू चिड़ा उस पौधे को पानी पिला देता है। तभी वह पौधा बोलने लगता है, दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पानी पिलाया, आप बहुत अच्छे हो दोस्त। उसके बाद रानू चिड़िया आ जाती है और दोनों माँ बेटा अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटा भोजन करके सो जाते हैं। अब दूसरे दिन रानू चिड़िया फिर से जंगल में चली जाती है। चिड़िया आगे बढ़ती है, बारिश तेज हो जाती है। मेरा बेटा वहाँ अकेला डर रहा होगा। इधर कुक्कू चिड़ा, मेरी मम्मा इस बारिश में पता नहीं कहाँ फंस गई हैं, अभी तक तो आ जाती। तभी आंधी में रानू चिड़िया की डाल टूट जाती है और रानू चिड़िया नीचे गिर पड़ती है और वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है। अब उधर से गौरी कौवी और कौवे दोनों निकल रहे थे। अब रानू चिड़िया को वह पानी पिलाते हैं। तभी रानू चिड़िया को होश आता है। रानू चिड़िया जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, वह नहीं उड़ पाती है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे घोंसले तक पहुंचा देते हैं। और दोनों घोंसले तक पहुंचा देते हैं। अब सुबह हो जाती है। तब रानू चिड़िया कहती है, बेटा मैं जंगल जा रही हूँ। अब जैसे ही रानू चिड़िया फिर से उड़ने की कोशिश करती है, पर वह नहीं उड़ पाती है। कुक्कू चिड़ा ऐसा कहकर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में वह बहुत भोजन ढूंढता है, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता है। वह थक हार कर वहाँ बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी कुक्कू चिड़े को कोई आवाज़ सुनाई देती है, दोस्त इधर आओ, मेरे पास आओ। कुक्कू चिड़ा इधर उधर देख, तब उसे वही पौधा दिखाई देता है। वह सारी बात बता देता है। तब वह पौधा कुक्कू को एक फल देता है और कहता है, दोस्त इस फल को ले जाकर तुम अपनी कुछ भी इच्छा मांग सकते हो। अब कुक्कू चिड़ा अपने घोंसले में आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। अब फल से कहता है, फल मेरी माँ पहले की तरह ठीक हो जाए और जल्दी जल्दी उड़ने लगे। तभी ऐसा कहते ही रानू चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। अब दोनों माँ बेटा बहुत खुश होती हैं। फल हमारे लिए अच्छे और मीठे मीठा भोजन लेके आओ। तभी फल बहुत सारे मीठे मीठे फल ला देता है। उसके बाद रानू चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दिन कालू कौवा मन ही मन सोच रहा था, सादा खाना खाके मेरा तो मन भर गया है, कहीं से चटपटा भोजन मिले तो मजा आ जाए। तभी अरे कालू कौवे, क्या मन ही मन बड़बड़ाए जा रहे हो? अरे चील, मैंने बहुत दिनों से एक अच्छा भोजन नहीं खाया है। मैं तुम्हें बहुत अच्छा भोजन खिलाती हूँ। इस जंगल में जितने भी बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका घर मुझे बता दो। उन घर में हम बच्चे भी खाएंगे और तुम अंडे खाना। अब दोनों लोग जंगल में चलने लगे। अरे यह किसका घर है? अरे चील बहन, इस घर के बारे में तो सोचना भी नहीं, यह इस जंगल की सबसे चतुर चिड़िया रानू का घर है। चलो, यह है तोते का घर, इसमें हमें दो छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे।
दोनों उस घर में घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं होता क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उनकी आवाज के डर से इधर उधर छुप गए थे। लगता है वह बच्चे अपनी माँ के साथ गए हुए हैं। चलो यहाँ से। अब दोनों पक्षी कबूतर के घर पहुँचते हैं। उसके घर में जाते हैं तो एक बच्चा और दो अंडे रखे हुए होते हैं। तभी बच्चों को चील खा लेती है और अंडों को कालू कौआ है। जब कबूतरी कुछ ही देर में वापस आती है तो अपने बच्चों को ना पाकर घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, मेरे बच्चे मेरे अंडे कहाँ चले गए। पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तब वहाँ पर तोते के बच्चे भी आ जाते हैं और उन्हें सारी घटना के बारे में बताते हैं। हम सारे पक्षी भोजन लेने जंगल में जाएं, तब एक पक्षी यहाँ पर पहरेदारी करेगा। तब सारे पक्षी जंगल में दाना लेने जाते हैं और एक पक्षी घर के बाहर पहरेदारी करता है। अब कालू कौआ और चील इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे अब क्या करें, इन लोगों ने तो एक पहरेदार लगा दिया है। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, और वह कुछ उपाय उनको बता देता है। अब दूसरे दिन सारे पक्षियों के पास कालू कौआ आता है और कहता है, मुझे उस शिकारी के बारे में पता चल गया है जो हमारे बच्चों को खा रहा है, जल्दी चलो वह एक गुफा में है। तब कालू कौआ चालाकी से उन सारे पक्षियों को उस गुफा में ले जाता है। अब सारे पक्षियों को चील खाने वाली ही थी, तब रानू चिड़िया कहती है, अरे अरे चील दीदी रुको, मेरे बच्चे तो घर पर रह ही गए, बहुत सारे बच्चे और इस कबूतर के भी बच्चे और इस कौए के भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी घर पर हैं। अरे चील दीदी इनकी बातों में मत आना, यह रानू चिड़िया बहुत चालाक है। लेकिन चील को तो बच्चे खाने का बहुत लालच था, इसलिए वह रानू चिड़िया के साथ चली जाती है। वह देखो अंदर मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, जाओ और उनको लेकर आओ। अब चील जैसे ही रानू चिड़िया के घर के अंदर जाती है, रानू चिड़िया घर के बाहर का दरवाजा लगा देती है। अब चील चिल्लाती ही रह जाती है और रानू चिड़िया सीधी उस गुफा में जाके उन पक्षियों को बचा लेती है। अब मैं इस कालू कौए को भी सजा दूंगी, और कालू कौए को उस गुफा में बंद कर देती है। अब सारे पक्षी उस चील और उस कौए के जाल से आजाद थे। रानू चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में निकली थी। मैं तो अपने घर का रास्ता ही भूल गई, अब मैं घर वापस कैसे जाऊं? बेचारी रानू चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहाँ पर एक आकाश नाम का चिड़ा आता है। अरे आप कौन हो और यहाँ की जंगल की नहीं लगती है? मैं दूसरे जंगल की हूँ, मैं भोजन की तलाश में आई थी और अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ। मैं इस जंगल में अभी नया नया हूँ, मैं इस जंगल का रास्ता नहीं जानता हूँ। पर मैं अंडे देने वाली हूँ और कभी भी अंडे दे सकती हूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। तभी आकाश चिड़ा रानू चिड़िया के लिए एक घोंसला तैयार कर देता है। सुबह होने पर अगले ही दिन रानू चिड़िया दो अंडे देती है। वह अपने अंडे को देखकर बहुत खुश होती है, अरे वाह मेरे अंडे तो बहुत ही स्वस्थ दिख रहे हैं। तभी वहाँ पर आकाश चिड़ा भी आ जाता है। अरे वाह तुमने तो कितने प्यारे अंडे दिए हैं। तब रानू चिड़िया आकाश चिड़ा से कहती है, क्या आप कुछ देर के लिए मेरे अंडों का ध्यान रख सकती है, मुझे जंगल में भोजन लेने जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों के पास ही हूँ, तुम आराम से अपने लिए भोजन लेके आओ। अब रानू चिड़िया जंगल में भोजन लेने चली जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ में सेब लगा दिखाई देता है। कोई है, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तभी रानू चिड़िया उनके पास आती, रह लो सेब और अपनी भूख शांत कर लो। अरे बड़ी मुश्किलों से तो मुझे एक सेब मिला था, मैं क्या खाऊंगी। तभी रानू चिड़िया को अपने बच्चों की आवाज सुनाई दे जाती है और वह भागकर घोंसले में जाती है तो देखती है अंडों में से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए हैं। शाम होने पर जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं और वह अपने पंखों की सहारा देती है और अपने बच्चों को छिपा लेती है। रानू चिड़िया का घोंसला पानी से भरने की वजह से नीचे गिर जाता है और उसमें से एक बच्चा मर जाता है। अरे मेरा बच्चा मर गया। तभी वह अपने दूसरे बच्चे को लेकर आकाश चिड़िया के पास जाती है। भैया भैया दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला टूट गया है। अंदर से आवाज आती है,
नहीं, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देते। बेचारी रानू चिड़िया बारिश में ही इधर उधर भटकती रहती है। तब वही बूढ़ी कबूतरी उसे दिख जाती है। अब बूढ़ी कबूतरी कहती है, अरे तुम तो वही हो जिसने मुझे भोजन खिलाया था। बूढ़ी कबूतरी रानू चिड़िया और उसके बच्चे को अपने घर पर ले जाती है। अब रानू चिड़िया उस कबूतरी के साथ अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी अब उसके घर में रहने लगती है। एक दिन काली कौवा और गोरी कौवी अपने बेटे राजू को बहुत डांट रही थी। राजू कौवे, अब तुम बहुत ही शरारत करने लगे हो। कल तुमने कबूतर के बच्चे को मारा था और उस दिन टोपी की घर पर शिकायत की थी। रानू चिड़िया के बेटे को देखो, वह अपनी माँ का पूरा कहना मानता है, अभी किसी से नहीं लड़ता है। हाँ हाँ माँ, तुम तो बबलू चिड़िया की ही तारीफ करो। मैं तो तुम्हारा बच्चा ही नहीं हूँ, वही बबलू चिड़िया ही तुम्हारा बच्चा है, कहकर वहाँ से चला जाता है। वह रानू चिड़िया अपने बेटे बबलू से कह रही थी, बबलू चिड़ी तुम बहुत ही अच्छे चिड़े हो, तुम सारा दिन किसी न किसी की मदद करते हो और सारे पक्षी आकर तुम्हारी तारीफ करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, सबकी किसी न किसी काम में मदद करना। और बबलू चिड़िया अपने दोस्तों के पास खेलने जाता है। तब राजू कौवा कहता है, दोस्तों हम इस बबलू चिड़िया के साथ नहीं खेलेंगे, यह बहुत ही बुरा चिड़ा है। मैं अच्छा हूँ इसलिए मेरी तारीफ सारे पक्षी करते हैं। तुम एक बहुत ही बुरे कौवे हो, तुम सारे दिन किसी न किसी से झगड़ते रहते हो। इस बात पर राजू कौवा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बबलू चिड़े में एक मारता है। तभी इस बात पर बबलू को भी गुस्सा आ जाता है, वह भी राजू कौवा में धक्का दे देता है। ऐसे ही आपस में दोनों लड़ रहे थे। राजू कौवा बबलू चिड़े को बहुत मारता है और मार मार के उसका खून निकलने लगता है। तोता बबलू चिड़े को उसके घर पर पहुँचा देता है। अभी जाती हूँ कालू कौवे और गोरी कौवे के पास, शिकायत करती हूँ। गौरी बहन, तुम्हारे राजू ने मेरे बबलू को कितना मारा है, मार मार के उसका खून निकाल दिया है। रानू चिड़िया, हम इस बात से बहुत शर्मिंदा है, हम अपने बेटे को अभी डांट लगाती हैं। राजू, तुमने बबलू चिड़े को क्यों मारा? अगर कोई भी मेरा मजाक उड़ाएगा तो मैं उसको ऐसे ही मारूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। रानू, अब हम क्या करें, ये राजू हमारी एक ही बात नहीं मानता है। तब रानू चिड़िया उन्हें एक उपाय बताती है। अब दूसरे दिन राजू, चलो मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ। इस तरह अब दोनों बाप बेटे जंगल की सैर के लिए निकल जाते हैं। बताओ बेटा, वह सामने कौन सा पेड़ है? पापा, वह तो आम का पेड़ है। काली कौवे के ऐसे बार बार पूछने से ही राजू कौवा बहुत ही गुस्सा हो जाता है। पापा, आज आपको क्या हो गया है? मैंने कितनी बार आपसे कहा है वह आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, आप मैं कितनी बार बताऊं? बेटा, तुम जब बचपन में यह सवाल मेरे से बार बार कहती थी तो मैं उसका बार बार जवाब देता था। कि तुम, मैंने अभी ये 3 बार ही सवाल पूछा, इसमें तुम इतना गुस्सा हो गए। तभी राजू कौवा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पापा से माफी मांगता है। पापा, मुझे माफ कर दो, मैं अब अच्छा पक्षी बनूंगा। उसके बाद से ही राजू कौवा अपनी सारी गलतियां भूलकर एक अच्छा पक्षी बन